चावला, कल्पना शक्ति, बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म सन 1884 और मृत्यु 1914 में हुआ था, आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक। बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली, फिर स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक उन्होंने अध्ययन किया था। तो बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के लिए ये कहा जाएगा कि वे 10वीं कक्षा तक ही पढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संस्कृत में शिक्षा हासिल की थी। जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के वे अध्यापक के रूप में रहे। वे एक सफल नाटककार थे, पत्रकार थे, उपन्यासकार थे और निबंधकार भी थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन उन्होंने किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है, कोई प्राणी कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच ही नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति को दर्शाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक होती है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है, किंतु लेखक व्यंगपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से नहीं चूकते कि सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभ्यास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, इस पाठ में कल्पना शक्ति के लिए हमें समझाया भी गया है और साथ साथ लेखक ने व्यंग भी किया है कि सिर्फ सोच विचार करते रहें ये पूर्ण नहीं है, यह कम पड़ेगा। आपको कल्पना को जीवन की सच्चाई में उतारना अति आवश्यक है। देखिए, इस पाठ में जो शब्दों का उपयोग, जिस भाषा का उपयोग किया गया है, वो सरल भाषा नहीं है, थोड़ी कह सकते हैं कि एक्सपर्ट लोगों की भाषा है, लेखक और कवि लोगों की भाषा है। इसीलिए इस पाठ को बड़े ध्यान से सुनना आवश्यक है। हर शब्द का अर्थ दिमाग में पहले बैठना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे जा सकते हैं। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति एक अद्भुत शक्ति है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि पशु या पक्षी मनुष्य जितना दिमाग नहीं रखते। मनुष्य यह चाहते हैं कि वह अपनी कल्पना के मुताबिक पूरा जीवन बना दे। अपनी कल्पना में वो बड़े बड़े महल का रचयिता बन जाता है और इतना कुछ सोच लेता है, अपनी एक नई दुनिया खड़ी कर देता है, और इस दुनिया के मुताबिक अगर काम ना हो तो वह उदास भी हो जाता है। लेकिन क्या यह सच, क्या यह अच्छी बात है? जी नहीं। शक्ति हमें मिली है, लेकिन उस शक्ति का सही ढंग से इस्तेमाल भी हमने करना है। अभ्यास में यह शतगुण अधिक ही सकती है, पर इसका सूक्ष्म अंकुर, छोटा सा पौधा जब खिलता है तो उसे अंकुर कहते हैं, किसी किसी के अंतःकरण में आरंभ से ही रहता है, जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं। देखो, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति, हर जन्म लेने वाला बच्चा एक जैसा नहीं होता। हर एक में अलग अलग क्वालिटीज पाई जाती है। ये क्वालिटी या सूक्ष्म अंकुर उसके अंतःकरण में, मतलब अंदर, पहले से ही बनाया मिल जाता है। जन्म लेते ही लोग लेखक या गीतकार या फिर गायक या फिर कोई डॉक्टर, जन्म लेते ही छोटी सी कुछ ऐसी चीज उसके अंदर होती है, ऐसी प्रतिभा कहते हैं उसको, वो प्रतिभा उसमें होती है। कवियों के लेख में पूर्ण उद्गार देखा जाता है। कवि जब कोई बच्चा कवि बनेगा आगे जाके, तो उसका देखने का नजरिया ही अलग होता है। कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभुति कवियों की कल्पना शक्ति पर चित्त चकित और मुग्ध हो अनेक तर्क वितर्क भूल भुलैये में चक्कर मारता टकराता अंत की इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राक्तन संस्कार का परिणाम है, मतलब पहले के संस्कार का परिणाम है। जन्म से मिली हुई यह एक ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर ने दी हुई शक्ति है, जीनियस है। कुछ बच्चे पहले से ही जीनियस होते हैं, कुछ बच्चों को गणित बहुत पसंद होता है, कुछ बच्चों को विज्ञान या फिर कुछ बच्चों को भाषा पसंद होती है, तो यह चीज उसको बाय बर्थ मिलती है।
और यह बाय बर्थ मिलने वाली चीज धीरे धीरे प्रतिभा के रूप में उभर कर आती है। धीरे धीरे अगर वह अपनी इच्छा अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार काम करता है तो वह बड़ा बनकर और अपना नाम दुनिया में कमा सकता है। कवियों का कि अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा से के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं। देखो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी है। कवि लोग जो होते हैं वे अपनी कल्पना शक्ति से बहुत बड़ा ब्रह्मांड बना देते हैं, दुनिया ही पूरी बनाई बना देते हैं। वैसे दुनिया बनाने वाला हम सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई थी, विष्णु जी ने उस दुनिया को चलाया और महेश ने उसका विध्वंस करना है। तो ये ब्रह्मा का जो काम है ना वो कवि लोग करते हैं। और जैसे कि उनके साथ एक होड़ में उतरे हो, होड़ मतलब कंपटीशन। कल्पना शक्ति में ब्रह्मा ने तो एक बार ही दुनिया बना के छोड़ दी, लेकिन कवि रोज नई दुनिया बनाते हैं और अपनी कविताओं में रोज नई नई सृष्टि का सर्जन करते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा कि कवियों की अपनी कल्पना शक्ति है जिसके द्वारा वो ब्रह्मा के साथ होड़ करते हैं, मतलब कि कंपटीशन करते हैं, वे अनुचित नहीं है। क्योंकि जगत सृष्टा मतलब जगत को बनाने वाला एक बार ही जो कुछ बन पड़ा उसने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अपना कौशल दिखा दिया, अकल्पांत फरागत हो गए और फिर कल्पना न कर सके उस तरह से चले गए, फरागत हो गए मतलब चले गए। पर कवि जो होते हैं वो नित्य नई रचना करते हैं, गंठत न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुरी दिखाते हैं, सृष्टि का निर्माण करने में चातुर्य दिखाते हैं, चतुरता दिखाते हैं, ऐसा कवि का कहना है। यह कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के रदगद भाव या मन के परखने की कसौटी का आदर्श है। देखो बेटा इस पाठ में जो शब्दों का उपयोग किया गया है ना उसे बड़े ध्यान से सुनिएगा, तभी इस पाठ में समझ आएगी कि क्या कहना चाहते हैं। कहना यह चाहते हैं कि कल्पना एक ताकत है, कल्पना करना एक ताकत है और यह करने वाले दिल से रदगत मतलब दिल के भावों को और मन के परखने की कसौटी का यह आदर्श है। शांत या वीर प्रकृति वाले, जो शांत प्रकृति वाले हैं या वीरता वाले प्रकृति वाले हैं या श्रृंगार रस प्रधान, सब अलग अलग है। हाँ आप देखना कुछ लोग ऐसे होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि बस हमेशा उनको मस्ती सुस्ती रहती है, वीरता दिखाते रहते हर जगह पर। तो ऐसे लोगों से एक दूसरे के साथ कम ही बनती है। श्रृंगार रस, कुछ लोगों को एक सुंदर फूल देख के ऐसा लगेगा, कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि इसकी सुगंध कैसी होगी, लाओ तोड़कर देखते हैं। कुछ ऐसे सोचेंगे कि अरे वाह कितना सुंदर फूल है, उसको श्रृंगार में लगकर हमने सर में बालों में लगाया हो तो कैसा लगेगा, तो श्रृंगार रस वाले। कुछ ऐसा सोचते हैं कि इस फूल का मेजरमेंट ले लूं, कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो हर एक व्यक्ति अपनी कल्पना के मुताबिक अपने अंदर की जो स्फूरणा है, जो उसके अंदर का एक अंकुर है, उसको जन्म से जो उसने पाया है, ऐसी प्रतिभा से वे अब हर चीज को तोलते रहते हैं और एक दूसरे के साथ। इसीलिए हर कल्पना अलग पड़ती है, हर व्यक्ति अलग पड़ता है। महाकवि मतीराम, अब देखो उदाहरण दिए, महान कवि थे मतीराम और भूषण भी एक कवि थे, इसके उदाहरण है। देखो श्रृंगार रस में पगि जयदेव की रसीली तबियत के लिए दाख और मधु से भी अधिक अधिक अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद की रचना विशेष उपयुक्त थी। राम रावण का, कर्णार्जुन युद्ध का वर्णन कभी उनसे न बन पड़ा, मतलब जो श्रृंगार रस के कवि हैं वो कभी युद्ध की बातें नहीं करते। यावत मिथ्या और दरी की किबले गाह इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने न पाया, मतलब कल्पना को कहा पिशाचिनी। देखो बेटा बहुत बुरा शब्द बोला, उसको गाली दी जैसे कह सकते हैं, पिशाचिनी कहा है। क्यों? क्योंकि कल्पना में लोग क्या से क्या बना देते हैं और अपनी स्फूर्णा के मुताबिक, अपनी प्रतिभा, अपने सोच विचार के मुताबिक वे रचना करते हैं। और इसीलिए कोई कुछ कल्पना करता है तो कोई कुछ कल्पना करता है, ऐसे में तालमेल बिठाना ना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए कहा कि पिशाचिनी का कोई और छोर नहीं है, मतलब एज और छोर मतलब एज नहीं है। अनुमान करते करते हैरान गौतम मुनि गौतम हो गए, कणाद
का खा खाकर तिनका बिनने लगे, पर उन्होंने मन की मन भावना मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया। कपिल बेचारे 25 तत्वों को कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले हो गए। व्यास ने इन तीनों महादर्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे, मतलब कौन ऐसी कल्पना करता फिरे। यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवन और क्षण भंगुर है, अतएव हेय है। देखो, हर एक अपनी तरह से सोचता है। व्यास मुनि ने ऐसा सोचा कि यह विश्व कुछ नहीं है, थोड़े समय का कल्पना है, ब्रह्मा जी की यह सर्जन है, एक दिन क्षण भंगुर है, क्षण के लिए है, नाशवन है, हमेशा नाश हो जाने वाली है। उन्हीं की देखा देखी बुद्ध देव ने अपने बुद्धत्व का यही निष्कर्ष निकाला कि जो कुल कुछ कल्पना जन्य है, सब क्षणिक है, नश्वर है, मतलब थोड़ी देर के लिए है और फिर वह नाश हो जाएगा। ये शरीर की बात करें बेटा, ये आध्यात्मिकता की बात की गई है, शायद आपके पल्ले पड़े या ना पड़े, लेकिन ये जो जीवन है ना, वो जन्म लेते ही डिसाइडेड है कि इतना समय चलेगा और इतने समय के बाद इस जीवन का नाश हो जाने वाला है। तो यह क्षणिक चीज है, नश्वर चीज है। ईश्वर तक को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहरा कर शून्य या निर्वाण ही को मुख्य माना। बुद्ध ने भी यह बात कही कि ये जो पूरी सृष्टि है वह क्षणिक है, नश्वर है। रेखा गणित के प्रवर्तक यूक्लिड ज्यामिति की हरेक शक्ल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमार मति इन दिनों के छात्र का दिमाग ही चाट गए। कहां तक गिनावे, संपूर्ण भारत का भारत इसी कल्पना के पीछे गारत हो गया। जहां कल्पना मतलब की थियरी के अतिरिक्त करके दिखाने योग्य प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकल कुछ रहा ही नहीं, सब थियरी थियरी रही, कल्पना ही कल्पना रही। आप लोग मैथ्स में सम गिनते हो तो ऐसा बोलते हो कि चलो x ले लिया जाए, x जैसे कि कोई कल्पना की कि ये x एक नंबर है, तो ये थियोरिटिकल पार्ट है, प्रैक्टिस में कुछ नहीं आता। यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क कल्पना से कर्तव्यता प्रैक्टिस में परिणत होते देख यहाँ वालों को हाथ मल मल पछताना और कल्पना पड़ा। प्रिय पाठक, ये कल्पना बुरी बला है, चौकस रहो, इसके पेच में कभी न पड़ना, नहीं तो पछताओगे। आज हमने भी इस कल्पना की कल्पना में पड़ बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट किया, क्षमा करिएगा। देखिए लेखक इस तरह से व्यंग कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी की ओर नजर दौड़ाएंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है प्रतिभा, जिसका मतलब होता है बुद्धि। प्राक्तन मतलब प्राचीन, फरागत मतलब छुट्टी या मुक्ति, प्रदत्व दिया हुआ, यावत मिथ्या सब असत्य झूठ, दरोग मतलब असत्य झूठ, काबिले गाह मतलब काबा सम्मान्य व्यक्ति, हे मतलब त्यजने योग्य, हे है मतलब छोड़ने योग्य है, तुच्छ है, खराब है, नश्वर नष्ट हो जाने वाला, निर्वाण का अर्थ होता है मुक्ति, गारत का होता है नष्ट, भारत या गारत मतलब भारत नष्ट होने ही वाला है, बर्बाद, पगी हुई मतलब डूबी हुई, प्रभृति इत्यादि, आकल्पांत कल्प के अंत तक के लिए, कल्प चारों युग हर बार बीत जाए उतना समय, फारगत मतलब अलग या मुक्त। तो इसी के साथ यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।